नियुक्ति वर्ष घोषित कर देले एको ठो नहीं नौकरी होले, नियुक्ति वर्ष घोषित कर देले एको ठो नहीं नौकरी होले, भत्ता मिलाना भीख, यहाँ पर भत्ता मिलाना भीख, पुलिसिया दे लाठी से। बजट सत्र के दौरान आज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने वॉकआउट कर दिया इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि बोलने की जो एक समय अवधि होती है वह किसी पर विधायक को ज़्यादा और किसी विधायक को कम। बाहर निकलकर क्या कुछ कहा है भाजपा के विधायकों ने समय की सारणी को लेकर कि बोलने के लिए आखिर क्यों पाबंदियां स्पीकर द्वारा लगाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ नियोजन नीति के मामले को ले लें अगर, या महंगाई के मामले को ले लें, या तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहा है, और जो अमित मंडल जो गोड्डा के विधायक हैं उन्होंने नियोजन नीति को लेकर क्या कुछ कहा है बाहर निकलकर शायराना अंदाज में, कि किस तरीके से नियुक्ति वर्ष कहकर सरकार ने जो है युवाओं को यहाँ पर छला है, क्या कुछ कहा है बाहर निकलकर सभी विधायक, चाहे वो भानु प्रताप साई हो या तमाम भाजपा के विधायक रांची के सीपी सिंह और तमाम विधायकों ने क्या कुछ कहा है बाहर निकलकर, या कुछ देखिए। ये आप मीडिया के जो बंधु हमारे हैं, मित्र जो हमारे हैं, 2016 के बाद माननीय विधायकों का वेतन नहीं बढ़ा है। आज के तारीख में भी 40,000 वेतन पे हम लोग काम कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि इन 7 सालों में महंगाई कितनी बढ़ी होगी, किस किस विभाग में वेतन वृद्धि हुआ है, चाहे वो हमारे ऑफिसर्स क्लास के लोग हों, चाहे केंद्रीय ऑफिसर्स हों या स्टेट के ऑफिसर्स हों, सब जगह सब लोगों का वेतन बढ़ा है। अन्य प्रदेशों में भी विधायकों का वेतन बढ़ा है। आप बिहार चले जाइए, बिहार में पिछले साल वेतन बढ़ा है, उससे पहले 2 साल पहले वेतन बढ़ा था, लेकिन झारखंड में 7 साल से वेतन नहीं बढ़ रहा है। इसलिए सर्वसम्मति से विधायकों का विषय आज हमने सदन में रखने का काम किया है कि दिल्ली में जो वेतनमान है वो वेतनमान हमारे यहाँ झारखंड में भी लागू किया जाए। तो एक डिमांड के हजारीबाग सहित पूरे राज्य में रामनवमी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, और हजारीबाग का रामनवमी जो है वो इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त रामनवमी है, जिसका इतिहास 100 साल से भी पुराना है। अब आप हिंदू धर्म के परंपरा को देखिए कि हम लोग अपने भगवान को पूरा गाजा बाजा हाथी घोड़ा के साथ पूरे पॉम्प एंड शो के साथ लेकर के आते हैं। पिछली सरकार ने 2 साल लगातार 17 में और 18 में इसको पुष्प वर्षा करके रामनवमी के श्रद्धालुओं पर यहाँ का मान बढ़ाया था, और वो सरकार शायद अगर रहती दोबारा आती तो रामनवमी को जो है राजकीय पर्व का दर्जा भी मिल गया होता अभी तक। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है, ये सरकार ने अभी जिला प्रशासन ने 5,000 से ज़्यादा लोगों पर 107 का नोटिस किया है। डीजे वाले को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि तुम डीजे नहीं दोगे, क्लब वालों से अंडरटेकिंग लिया जा रहा है कि तुम डीजे नहीं बजाओगे। तो किसी के कल्चर से, किसी के रिलीजन से खेलना ये सरकार का आदत बन चुका है। तो हम लोगों ने सरकार के मंत्री के संज्ञान में लाया है, और आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो राम का नहीं है वो इस राज्य में किसी काम का नहीं है। राम से डरो, नहीं तो जो तुम्हारा हश्र यूपी में हुआ है और अन्य जगहों पर हुआ है वही हश्र तुम्हारा आने वाले समय में झारखंड के जो जितने श्रद्धालु हैं वो झारखंड में भी करेंगे। गलत नीति ला रही है। युवाओं के हित में अगर कांग्रेस धरना प्रदर्शन करती, विरोध प्रदर्शन करती तो ज़्यादा बेहतर होता। कांग्रेस विरोध प्रदर्शन उसके लिए कर रही है जिससे उसको पॉलिटिकल फ़ायदा मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो या युवा हो यहाँ के, वो ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि युवाओं को इसका हक कैसे मिले, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और यही लड़ाई अगर कांग्रेस भी लड़ती तो मुझे लगता है JMM अच्छा पॉलिसी बनाती, लेकिन अफसोस की बात है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। नियुक्ति वर्ष घोषित कर दे ले एको ठो नहीं नौकरी होले, नियुक्ति वर्ष घोषित कर दे ले एको ठो नहीं नौकरी होले, भत्ता मिलाना भीख, यहाँ पर भत्ता मिलाना भीख, पुलिसिया दे लाठी से। ये सरकार का जो है ये चरित्र है। और हेमंत सोरेन जी इतनी बेशर्मी के साथ सरकार जो है युवाओं के मुद्दे से भटकाना चाहती है विपक्ष को, युवाओं को, जो कभी कहीं ना कहीं खेदपूर्ण है। तो हेमंत सोरेन जी का भी जवाब आया होली के दिन। हेमंत सोरेन जी ने कहा था, बकरी बेचो, सुअर बेचो और बेचो तरकारी, 60-40 कर किया बेगारी, 60-40 कर किया बेगारी, नहीं मिलतो सरकारी नौकरी, नहीं मिलतो सरकारी। ये हेमंत सोरेन जी का निश्चय है यहाँ के युवा के लिए, कोई कीमत पे हम लोग सरकारी नौकरी नहीं देंगे। और ये जो कहा ये जो पोयम है, कविता है, मैंने इसलिए कहा
क्योंकि सरकार का अगर आप स्टेटमेंट शुरू से ही देखेंगे तो सरकार का स्टेटमेंट कहीं ना कहीं नेगेटिव रहा है। सरकार कभी बोलती है कि हम लोग 5 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे, बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, बीजेपी को भगाओ, यहाँ पर तो हम कोल प्रॉमिस में ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब क्रियान्वयन की बात आती है तो सरकार कहीं ना कहीं लाचार दिखती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार बोलती कुछ और है, करती कुछ और है, जिसका आज परिणाम है कि युवा ठगे से महसूस कर रहे हैं, युवा सड़क पर है और ये 60-40 नहीं चलतो इसलिए नहीं चलतो क्योंकि जो 100 में 60 हमारा और 40 ही खतियानी नारा है, जो 40 को छेड़ेगा युवा उन्हें खदेड़ेगा। यही बात है, इसको मैंने सदन के अंदर रखा, युवाओं को जगाने के लिए एक मुहिम हम लोग छेड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कि युवा किस प्रकार 60-40 के भकावे में ना आए। ये गलत नीति है, युवाओं के हित में नीति नहीं है, और अगर युवा अगर सड़क पर ना आए तो ये सरकार जो दामनकारी सरकार है इसको लागू कर देगी, लागू करने की वर्ज में है। इसीलिए सरकार को चाहिए कि चीज़ों को ठीक करे, स्पष्ट करे और इसका अच्छे से डिबेट सदन के अंदर। अमित जी, आपको क्यों लग रहा है कि सरकार ने पहले भी कहा है, अगर मेरे बजट के भाषण को लेकर अगर सत्ता पक्ष को ऐसा लगता है कुछ गलत तथ्य मैंने पेश किया है तो वो स्वतंत्र है उस चीज़ का उल्लेख करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा रहेगा नहीं, इसलिए क्योंकि जो बातें मैंने की अक्षरशः उसका जो पालन सरकार नहीं कर पा रही है, जिसका ये परिणाम था कि आज सरकार बस सुन रही थी, कुछ जवाब देने के पक्ष में नहीं, चाहे वो नियोजन नीति हो, चाहे OBC आरक्षण हो, चाहे वो आपका खतियानी हो, चाहे वो सरना कोड हो, चाहे वो ST आरक्षण हो, इस पर कोई भी चीज़ में सरकार ने कंक्लूड नहीं किया। और जैसा मैंने कहा कि ये 60-40 रेशियो लाकर सरकार युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। 60-40 रेशियो आपको समझना होगा कि 60% तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, SC ST OBC EWS का वो अधिकार है, उससे कोई छीन नहीं सकता है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि 40% में भी खतियानी को प्राथमिकता मिले। इसको लेकर सरकार कहीं कोई पहल नहीं कर रही है। सरकार एक तरफ बोलती है 1932 का खतियान को हम लाएंगे, लेकिन दूसरे तरफ ओपन टू ऑल कर दे रही है 40%, तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभास है जो सरकार की तरफ से प्रतीत हो रहा है। इसी को लेकर मैंने सरकार को चेताने के लिए कहा कि अभी जो होली का समारोह हुआ था, तो युवा यहाँ पर तो युवा मुख्यमंत्री हमारे होली खेल रहे थे। हेमंत आया साथ लाया शादी की उम्मीद, जब नौकरी मांगे युवा सड़क पर, दे लाठी से पीट पुलिसिया दे लाठी से। अडानी अम्बानी की जो बात करता है लोग, और तो कुछ मिल नहीं रहा है, अडानी अम्बानी के अलावा इनको तो मिल नहीं रहा। इन लोगों को चाहिए कि भाई छोटे छोटे चीज़ों के लिए आप चले जाते हो सुप्रीम कोर्ट, तो अडानी अम्बानी के खिलाफ चले जाओ ना सुप्रीम कोर्ट, रोकता कौन है। अरे माननीय उच्चतम न्यायालय तो खुला हुआ है, जब बड़े बड़े उग्रवादी को फांसी की सजा से बचाने के लिए आधी रात को माननीय उच्चतम न्यायालय खुलवा सकते हो, इतना देर क्यों करते हो। अडानी अम्बानी के खिलाफ चले जाओ सुप्रीम कोर्ट। देखिए अभी हम लोग सदन से बाहर इसलिए निकले हैं, बायकॉट इसलिए किया कि स्पीकर महोदय भेदभाव करते हैं। एक स्पीकर की भूमिका न काहू से दोस्ती न काहू से बैर की होनी चाहिए, उसके लिए सभी बराबर होते हैं, लेकिन स्पष्ट झलकता है कि आप ही समय भी लौट करते हैं और उस समय के अनुसार आप किसी को ज़्यादा समय देते हैं, किसी को कम समय देते हैं। तो ये कागजी सिर्फ नहीं होना चाहिए। हमने क्या गलत पूछा? हमने पूछा कि माननीय प्रदीप यादव जी को कांग्रेस के सदस्य के नाते आपने बोलने का अवसर दिया है या JBM के सदस्य के नाते आपने दिया है या निर्दलीय के नाते दिया है? यदि कांग्रेस के नाते उन्हें बोलने का अवसर दिया है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। हो सकता है कि पूरे कांग्रेस पार्टी की ओर से वही बोल रहे हो। यदि JBM की ओर से दिया होगा तो अभी 6 मिनट का ही समय दिया होगा और JBM तो रहा नहीं, JBM तो विलय कर चुका है,
और निर्दलीय के नाते दे रहे हैं तो भी 3 मिनट से ज़्यादा समय नहीं हो सकता। इसलिए कि समय निर्धारित है कि JMM को 80 मिनट है तो भाजपा को 67 मिनट है, ऐसे ऐसे सारी समय निर्धारित है। वैसे स्थिति में आप बुलवा रहे हैं, इसका मतलब स्पष्ट है कि आप कहीं ना कहीं नाइंसाफी कर रहे हैं। एक स्पीकर नाइंसाफी करेगा तो न्याय के लिए हम लोग किसके पास जाएंगे? एक ही रास्ता बचा था कि भाई हम विरोध प्रकट करें और इसके बाद भी इसका प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है तो भगवान बचाए, मैं इतना ही कर सकता। देखिए, एक तो सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच की जो सत्ता पक्ष की ओर से बजट पेश किए जाते हैं, विपक्ष की ओर से सरकार को ध्यान आकर्षित किया जाता है कि भाई सरकार किस तरह से काम कर रही है। आज आपने देखा होगा आदरणीय सदस्य प्रदीप यादव जी, जिनको JBM की हैसियत से 2 मिनट का समय उनका एलोटेट था स्पीकर महोदय के द्वारा, उन्हें 20 मिनट से ज़्यादा बुलवाने से भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया कि भाई आप जब उनको JBM का सदस्य मान रहे हैं विधानसभा में, आप फिर 2 मिनट की जगह पर आप 20 मिनट क्यों बुलवाते हो? आप स्पीकर का काम है समय निर्धारित करना और समय निर्धारण के दल के हिसाब से समय निर्धारित होता है। एक तो जहाँ JBM का विलय भाजपा में हो चुकी है वहीं हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मंडी जी को बोलने नहीं दिया जाता सदन में। आज तक नेता प्रतिपक्ष का दर्जा सरकार ने नहीं दिया, सदन ने नहीं, स्पीकर ने नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर प्रदीप यादव जी को सरकार का पूरा संरक्षण प्राप्त है बोलने के लिए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज हम लोगों ने इनका विरोध किया। दूसरी तरफ आज कांग्रेस पार्टी अडानी के खिलाफ जोर मार्च निकाले, प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, आपने देखा होगा पूरे देश में घोटालों का इतिहास रहा है, चाहे 2G घोटाला हो, कॉमनवेल्थ का घोटाला हो, ऐसे अनेक घोटालों का जननी है कांग्रेस पार्टी। और अब कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार बचा नहीं है देश में। इनके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लंदन में जाकर देश विरोधी बातें करते हैं, विदेश में जाकर भारत विरोधी बातें करते हैं, अपने देश के लिए हल्की बातें करते हैं, अभी के बाद कोई मुद्दा बचा नहीं है। और झारखंड में जहाँ तक की बात है, झारखंड में कांग्रेस पार्टी JMM का पिछलू बन के रह गई है, इसलिए इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इसीलिए ये अब बेवजह का अपना जमीन तलाशने का काम झारखंड में कर रही है। ओके। वही दिन एक ही वक्ता का नाम देना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने यह तय किया था कि चूंकि एक वक्ता रहेगा तो उनको 62 मिनट का समय मिलना था, 60 मिनट का समय आज मिलना था, जबकि वो 67 मिनट बोले। अगर वो दो वक्ताओं का सबको बोलते नाम देते तो निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष 30वें मिनट के बाद उनको रोक देते। तो ये स्पष्ट दर्शाता है कि वो सत्ता पक्ष की बातें सुनने के लिए इच्छुक नहीं थे, वो जवाबों को बगैर सुने हुए सदन से निकल जाना चाहते थे। इसलिए नहीं, ये तो BJP की बात है, बात उनका प्रदीप यादव को लेकर के था। नहीं, प्रदीप यादव का बहाना बनाया गया, माननीय सदस्य को अपनी हैसियत में अपनी कैपेसिटी में 6 मिनट बोलने का प्रावधान था, 6 का अगर 8 मिनट हो गया या माननीय सदस्य ये कह रहे हैं कि मैं 2 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूं, तो ये सदन की परिपाटी रही है कि 2 मिनट में कंक्लूजन को माना जाता है। जब 60 मिनट के समय को 67 मिनट हम लोगों ने माना तो 6 मिनट को 8 मिनट मान लेने में कहीं आपत्ति नहीं थी, लेकिन चूँकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि वो सदन में मौजूद रहे, बहिर्गमन करे, इसके लिए उन्होंने एक बहाने की तलाश फर्स्ट हाफ में नियोजित।